नरेश जी, आप सीकेडी पेशेंट हैं, आप जयपुर से ही हैं। इनका डायलिसिस चलता था और कितना टाइम हुआ ट्रीटमेंट इनको लिए हुए और अभी क्या स्थिति है मैं चाहता हूँ। प्लस इनको हार्ट की प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड अभी इनका ट्रीटमेंट अभी वहाँ पे कंटिन्यू है। हार्ट की इनकी पंपिंग कम हो गई, हार्ट अटैक आया था उससे इनका हार्ट वीक हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बाकी किडनी से रिलेटेड अपने बारे में ये बताएंगे खुद ही। हेलो सर, 2 महीने पहले मैं हिम्स हॉस्पिटल में गया था, उस समय मैं डायलिसिस मेरा वीक में 3 बार होता था। इंटरनल में मैं डेली जाता था, एक दिन छोड़ के। उसके बाद जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने मेरे को हिम्स के बारे में समझाया और वहाँ के जो एक्शन थे वो सारे मेरे को बताए, तो मैंने उसको रिग्रेस फॉलो किया। 6 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद खाने की हैबिट्स, मिलेट का खाना खाना, योगा करना और उसके बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब कंटिन्यू रखा, फॉलो किया। उसके बाद आज तक 2 महीने हो गए डायलिसिस निकाला मैंने और लेकिन थोड़ी बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और पाँव में हल्का सूजन आता है। उसके लिए मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ और मे बी 1 महीने के अंदर अंदर और इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ हिम्स जयपुर को, जिन्होंने मेरी लाइफ एकदम चेंज कर दी। बहुत दर्दनाक स्थिति थी, उसको एक इम्प्रूवमेंट लाइफ में कर पाया। थैंक यू वेरी मच। इनका हार्ट भी अभी वीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। नॉर्मली हार्ट जब वीक होता है उसके लिए किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो हार्ट अटैक से या DCMP डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है जिससे हार्ट वीक हो जाता है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट उनका इलाज नहीं कर सकता है हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे इनको इम्प्रूवमेंट आएगा। हमारे बहुत सारे केसेस है, सैकड़ों की तादाद में है जिनका हमने इम्प्रूव किया है। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोज़, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।